हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुमता रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि आता है कर्नाटक में। अगर आप इस रेलवे स्टेशन से लोकल हो तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस रेलवे स्टेशन पे क्या क्या सुविधा अवेलेबल है, रेलवे स्टेशन पे कौन कौन सी ट्रेनें रुकती है, रेलवे स्टेशन के बाहर में पार्किंग एरिया है कि नहीं, वॉशरूम है कि नहीं, फूड स्टोर है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है कि नहीं, और भी बहुत कुछ। तो वीडियो को पूरा देखें। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। इस रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है KT। रेलवे स्टेशन पर टोटल दो प्लेटफॉर्म है। कौनकन रेलवे जोन में आता है रेलवे स्टेशन कारवा डिवीजन के अंतर्गत। अगर आप इस रेलवे स्टेशन पर गए हो तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। दो प्लेटफॉर्म इस रेलवे स्टेशन पर, 28 ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट करती है। 0 यहाँ से ऑरिजिनेट होती है एंड 0 यहाँ पे टर्मिनेट होती है। अगर आपने भी इस रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन पकड़ा है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। रोजाना 5,000 से भी ज्यादा यात्री इस रेलवे स्टेशन से ट्रैवल करते हैं। रेलवे स्टेशन पे साफ सफाई का ध्यान अच्छा से रखा गया है। रेलवे स्टेशन पे दो प्लेटफॉर्म है और दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको डस्टबिन देखने को मिलता है, तो प्लीज आप डस्टबिन पे कुछ भी थ्रो करें अगर आप कुरकुरे खा रहे हो या पानी का बोतल पी रहे हो तो। रेलवे स्टेशन पे बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे कि फूड स्टॉल, टिकट काउंटर, फुट ओवरब्रिज, दो प्लेटफॉर्म है और दोनों ही प्लेटफॉर्म पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी एंड फूड स्टॉल फैसिलिटी अवेलेबल है, टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल है और भी बहुत सारा फैसिलिटी अवेलेबल है इस रेलवे स्टेशन पे। अगर आप इस रेलवे स्टेशन पर कार या बाइक से आ रहे हो तो रेलवे स्टेशन के बाहर में पे पार्किंग एरिया अवेलेबल है, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अगर आप इस रेलवे स्टेशन के बाहर में कोई रूम ढूंढ रहे हो, होटल होटल, तो मैं आपको बता दूँ 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रहने के लिए आपको बेहतरीन रूम मिल जाएगा, वो भी आपके अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर। इस रेलवे स्टेशन के बाहर 24x7 ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, आप कैब भी बुक कर सकते हैं एंड ऑटो फैसिलिटी अवेलेबल है इस रेलवे स्टेशन के बाहर। जैसा मैंने आपको बोला, 28 ट्रेनें इस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट करती है। चलिए आपको कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों के नाम बताते हैं जो कि इस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट करती है। अगर आपको भी कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों के नाम पता है जो कि इस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट करती है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। मैंगलोर सेंट्रल स्पेशल, मुंबई CSMT सुपर फास्ट एक्सप्रेस, पंचगंगा एक्सप्रेस, लक्षद्वीप एक्सप्रेस एंड अदर एक्सप्रेस ट्रेन एंड गुड्स ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट करती है। अगर आपने इस रेलवे स्टेशन से कोई ट्रेन पकड़ा है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। गाइज, अगर आप इस रेलवे स्टेशन से लोकल हो या इस रेलवे स्टेशन पर पहली बार जा रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और चैनल पे नए हो तो प्लीज मेक श्योर टू हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।